अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ इमरान भाई के घर और कल है मजलिस, उसकी तैयारी करने। और हम इस गर्मा गर्म जो तिलों वाले कुलचे होते हैं नाश्ता लेने जा रहे हैं उसके साथ। तकी मास्क ले ले, फॉग पड़ रही मेरे ख्याल से। मास्क ले ले, फॉग है। आप मास्क पड़ा हो गाड़ी वो नहीं आ रही। आना नहीं आना कहती। नहीं, नीना आंटी बैठी, उनके पास बैठी थी ना। बुरी सारे चले गए तो बुरी बात। चलो चलो आगे चलो। चलो भी तिलकना जाओ। तिलकना जाओ, मैं डरी हुई। शीशे बंद ही रखना। पोंडा पोंडी पोंडा पोंडी, मेरा पोना पोनी पोना पन्नी। ये मेरा तकी है, मेरा बाबा छोटा सा था जब मैं आई थी माशाल्लाह से। अब ये देखिए कितना बड़ा हो गया। नहीं तकी बाबा, मेरा तकी बाबा। इसके प्यार के नाम हमने बहुत रखे हुए, इसकी पुप्पो ने और मैं चाची, हमने दोनों ने बहुत लाड की उम्मा और मैंने। और माशाल्लाह अब देखो मेरा बेटा है, कोई शक नहीं इसमें। मेरे बेटे हो ना, मजाक भी करता है बेटा, इतना इतने ज्यादा मजाक करता है हमें। हाँ जी, तो आज है मजलिस घर पर। घर पर हमने पाक बीवी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की मजलिस करवाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असल में ये मजलिस जो है अब हो रही है, जो वो हम जब हम इकट्ठे घर में रहते थे ना, जब तब हम इकट्ठे करवाते होते थे। जब मेरी जेठानी मिसेज इमरान, उन्होंने जब घर चेंज कर लिया तो फिर वो अपने घर उधर भी करवाती थी, तो मैंने इस घर में भी ना मतलब जारी रखी। तो मेन जो होती है मजलिस माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से, और मुला के सरदारों की वेलकम होती है, आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगी। तो इस टाइम हम नाश्ता करें, एक दिन पहले आ जाते हैं क्योंकि टाइमिंग थोड़ी जल्दी वाली होती है मजलिस की, तो फिर काम वगैरह और सारे सेट सफाइयाँ वगैरह करवानी पड़ती हैं। तो इसलिए हम सभी ना मतलब मेरे छोटे देवर और देवरानी, हम उनके घर आ जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। बच्चे हमें बुलाते हैं, आओ मिलकर काम करें, और असल में सब मिलकर बैठे तो फिर रौनक हो जाती। तो इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं कल की। बाकी की वीडियो कल इंशाल्लाह मैं बनाकर दिखाऊंगी। मानो ने खानी थी ना मक्खन की टिक्की, जो है हर घर में पड़ी हुई है, लेकिन वो खा नहीं रही। वो कह रही उसमें स्मेल आ रही, पता नहीं। तो उसके लिए सरप्राइज ले रहा है। हमने बोला कि हम नहीं आगे जाएंगे, तुम्हारी जहाँ से टिक्की बनती है वो काफ़ी दूर है। तो फिर हमने तकी ने कहा नहीं, फिर मैं ले लेता हूँ उसको खानी है शौक से। इतने प्यारे यहाँ से नान मिलते हैं तिल वाले, वाह। ये जरूर अद्दू ने सिखाया होगा कॉफी बाजी को ना, इस तरह से नान बड़े मोहल्ले में से पसंद थे तो यहाँ तो मिलते ही नहीं थे। फिर उन्होंने खुद खुद बताया कि ऐसे बनाओ नान, सुरख हों और क्रिस्पी हों थोड़े। कार में लाइटिंग करवा कर उसकी सेटिंग फोन पर तकी ने की थी, वो मुझे दिखा रहा था। ये देखिए जिस तरह से लाइटिंग, वाओ तकी वाओ। Open the door. हम हैं। आप नहीं आई हमारे साथ? यार वो नीना ने मुझे रोक लिया था। मैं अच्छा किया नीना ने, नहीं मैं तो मजबूरी चली गई थी ना। लाला आई है, नाश्ता लाई है। ओ तस्वीर पूरे दिनों में कुरानी भी होती है, सब कुछ आता है। आइए फिर, आओ आओ। बिस्मिल्लाह।
ਤਸਬੀਹ ਕੋਲ ਹਰ ਡੱਬੇ ਮਾਨਾ ਖਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡੱਬੇ ਚ ਐ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਡੱਬੇ ਚ ਤਸਬੀਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਾ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਮਾਨਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨੇ ਤੂੰ ਤਸਬੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਕਲਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲ ਇੱਕੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਐਦੀ ਪੈਕ ਕਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਂ ਐ ਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਟੋਟ ਲਵਾ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਲੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟੋਫੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿਆਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਪਸਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨੀ ਡਿੱਬੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਸਟੈਲ ਕਰ ਪਿਆਰਾ ਅੰਕਲ ਸਟੈਲ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਬਾਕਸ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਹੁਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲਣੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਝੇ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਚੂਲੇ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪੇ ਤਵਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਮੈਨੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੁਲਕੇ ਲੱਤੇ ਪੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਰੋ ਓਕੇ ਹੋ ਤਰਵਾਜੇ ਤਨ ਕਰ ਦੋ ਬਾਅਦ ਚੋ ਹਾਂ ਬੰਦ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਲੇਟਸ ਮੇ ਸੈਲਡ ਜੋ ਥਾ ਹਮਨੇ ਰੈਡੀ ਕੀਆ ਹੁਆ ਥਾ ਪਾਣੀ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਈਡ ਪੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਤੀ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਸੋਫੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਸਕਤੇ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਦਿਲ ਸੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਤੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਹੋਤੇ ਹੋਤੇ 7 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤੀ 7 ਵਜੇ ਮਜਲਿਸ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾਉਜ਼ਬਿਲਾ ਥੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਆਨ ਚ ਪਾ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਾਬ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਤੌਹੀਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਕਰਬਲਾ ਚਾਹੇ ਨੈਨਵਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ
लोग सी जिन्हां नूं मारफत नहीं सी कहन लगे कह नवासा रसूल तो इत्थे आ गया अपनियां धीआं ते बहनां लै के बायत कर लै यजीद दी ते वापस चला जा। ते मौला हुसैन अलैहि सलाम ने जिहड़ा अली दा शेर पुत्र मौला हुसैन मजलूम जरूर आख्या जांदा है लेकिन बहादुर बहुत शुजात बहुत मौला हुसैन अलैहि सलाम ने जिहड़ी गल कीती उह सुनावण लगी हां सलावत पढ़ो। इब्ने हैदर उतर आए हैं नमाज़े विला के लिए। पाक ताहिरा मुताहिरा बीबी अजमत ज़हरा सुनावण लगी मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा यासीन भी कहती है कि यासीन है ज़हरा। इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में कहा है मैं दीन मोहम्मद हूँ मेरा दीन है ज़हरा। अरे हैदरी हैदरी मुकामे बैत यही है के भूल रही हो सदके जाम आगे आगे हो आलिया सैट नबी फातिमा बिज़ा तो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जिगर का टुकड़ा ये सेवा तेज कर दी बगैर तमहीद तो शेर पढ़ रही है रुबाई पढ़ रही है समझदार बैठे हो हालात भी ना साज हिल लेकिन हक कहण तो बाज नहीं आ सकते। मुकामे पैक यही है के फूल राजी हो वो खुश नसीब है जिस पे रसूल राजी हो अगर ये शर्त है उस पे बतूल ले राजी हो। अपना उठा कर चलो यहाँ और अपनी ये निगाहें झुका कर चलो यहाँ क्यों इस बार देख ये है मोहल्ला बतूल का इस बार देख ये है मोहल्ला बतूल का सैयदा ने नाम फिजा रखिया जेड़े वेले बीबी आए मुद्दत गुजर गई वापस ना गई तकत खाली है सहेलियां परेशान होके आईया थी जो की मैं मुन्ना गई है मदीने वापस नहीं आई पता थे करिए खैर होवे सही आईया दरवाजे ते दस्तक दिती है जरा बेफिजा ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा खोलिया ये दरवाजा ना खोले हा अली दे घर दा कुरान खोले वजह क्योंकि अंदर आयता टूरदियां फिरदियां नजर आंदियां हन खादियां ने हैं मैं मुन्ना केड़े हालात बनाए ने जेड़े सर ते ताज पानी से खाक नजर आ रही है जिस हाथ नाल कलम चलानी है झाड़ू नजर आ रहे हैं। बीबी फरमाते ने पहले ती गल्ले मेरा नाम मैमूना नहीं मेरा नाम क्या है बीबी अपना तारफ करा रहे हैं देर क्या पाया आओ मैं तुम सुनावा केड़ी गल फरमा रहे पढ़ो दरूद मेल के बला दवा मेरा नाम मैमूना नहीं बीबी जरा तारफ करा रहे अल्लाह इसनु आंदे जिनु चांदी बनावण दा हुनर आंदा होवे।
ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ਾ ਕਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਖਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਖਤ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤਤ ਬਲ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਦਾਵੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤਤ ਬਲ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਦਾਵੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ سلام بابا سے بلندتر سے بلندتر صلوات سلام عزت جاننی ہے جو میری شان زیادہ بلند ہے جناب سلمان فرمایا ہے بہن فیضا میری شان بڑی بلند ہے کیونکہ میں علی دا او چہرہ ویکھنا جدے بارے سرکار فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ تکڑا عبادت ہے بی بی فیضا فرماندے نے پھر بھی सलमान भेरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता तू अली दा ओ चेहरा वेंदा है जेड़ा चेहरा अली सहाबान भी खादे ने ते मैं अली शहंशाह दा ओ चेहरा वेंदी हां जेड़ा चेहरा मेरी आलिया सैन जनाबे ज़हरा वेखदे ने मेरे तो वड्डा मुकाम नहीं पा सकदे सैयदा दा चेहरा तकड़ा मेरी नमाज़ है सैयदा दा चेहरा तकड़ा मेरी नमाज़ है جس دے حجاب اندر رہندا بے نیاز اے سر نو جھکا کے پردہ ہٹا کے رب نو میں زہرا دے تسبیح سناواں میں منانے میں سی ہوں سلمان دسویں درجے تے فائز ہے ਮੈਂ ਦਸਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਨਨੀਆਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਵਾ ਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀਆ ਤੋਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਵੇਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀਆ ਤੋਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਏ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਏ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇਰਾ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਲੇਮਾਨ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨਾਨੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਕੋਲੋ
पाक न बेदा वीर अली मेरे नसीबानू ऐसा सजाया दुनिया ते मेरा ना जग मगाया दुनिया ते मेरा ना जग मगाया वेख वेख लोकी सारे कह अलमा वाले दिया मेहरबानिया ने अलमा वाले दिया मेहरबानिया ने अपने दुख भी सुनाइए सकून भी पाइए ये सेवा तिरत करनी आ लख जान कुरबान जिवे मैं चाहती सा पहली जमात इंसानी मेरा सारा उस दर ते ही आका दादी दे मैं पुरसे उठा जाके देवने पढ़न वास्ते एडी एडी दूर फोन ते दावत हो जाती है जेल मुल्तान इस्लाम होवे पावे दुश्मन सारा जमाना होवे पावे दुश्मन सारा जमाना जिस दा में खाना उस दा ही गाना वेख वेख लोक सारे कह अलमा वाले दिया मेहरबानिया ने अलमा चंदाबाजी ने पुत्र लैके दिता मौला इज्जत हयाती देना नेक लायक बना देना इस घर दे जितनी आई यानी तेरे घर की खिदमत के लिए मुजावरी के लिए अब खुदा ने बेटे की जगह मैंने पहले कह दिया हर जुबानी बोलती बेटे की जगह जज़ाकअल्लाह बेटी अता कर दी अब जनाब हन्ना बेटी को लेकर बैतुल मुकद्दस की जाने जो आगाज में साथ देंगे मैं उन्हें इंशाल्लाह नतीजे तक लाऊंगी और नतीजे तो बस जिसकी तो परवाज यहीं रह गई फिर वो यहीं रह जाएगा और जिसे कलंदरी परवाज मिल जाए फिर वो मेरे साथ मेराज तक जाएगा जनाब हन्ना ने कहा खुदाया बेटा नहीं तूने मुझे बेटी अता की अब मैं बेटी को तेरे घर में बैतुल मुकद्दस में रख नहीं सकती क्योंकि शरी मामला है क्योंकि बेटियों के लिए बच्चियों के लिए कहा खुदाया पाकी मुताहिर होने का मामला तवज्जो रखिए आवाज परवरदिगार आई है हन्ना हमने इसे अपनी कनीज बनाया इसे हमारे घर में बिठा दीजिए अगले लफ्ज पर तवज्जो का ए हन्ना हमने इसे बतूल बनाया जो नहीं पहुंचे मैंने कहा उंगली पकड़कर मेराज तक लेकर जाना है मुझे हमने इसे बतूल बनाया इसे हमारे घर में बिठा दीजिए जो भी नहीं बोले उन्हें समझाऊं सिर्फ एक लफ्ज बतूल अब आप कहेंगे अगर जनाबे मरियम का लकब बतूल एक और बीवी का लकब भी बतूल तो मैं अगर एक जुमले में वाजे कर दूं बतूल किसे कहते हैं चेहरों पर नूरे वलायत रखिएगा वो बीवी जिसे मुसल्ले पर आने के लिए वुजू की जरूरत ना हो क्योंकि मुझे इससे बढ़कर जुमला देना बोलिएगा आखिरी मोमिना तक वो बीवी जो बगैर शोहर के बतूल हो उसे बतूल सुगरा मरियम कहते हैं और जो अली जैसे शोहर के होते हुए बतूल जिसे खुदा ने कुल्ले ईमान मरते मैदान या सुबुद्दीन कायदे गुर्रुल मुहज्जलीन हबीबुल अहबाब खतीबुल अख्ताब साहिबे तूर किताबे मस्तूर लापता कुल्ले ईमान उस्तादे जिब्राईल उसे खुदा ने इतने अलकाबात से नवाजा उस अली के होते हुए जो बीबी बतूल का लकब पाए उसे बतूल कुबरा गया ये हो गए दो पैमाने
जीना मजीना तय कीजिएगा, नतीजा इंशाल्लाह आप खुद देंगे मुझे। बतूले कुबरा और बतूले सुगरा, अभी मुझसे पहले जो पढ़े थे मैंने कहा ना तसलसल रखूंगी उनके पढ़ने के साथ, उन्होंने एक जुमला दिया जो तो तवज्जो से सुन रहे थे कि खुदा ने, शायद उन्होंने कसीदे में ये नसर में इस्तेमाल किया, खुदा ने मुझे मजमा बताएगा जो तवज्जो से सुन रहे थे, क्यों रखा हर कोई छूता है और कुरान कह रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसे कोई मस नहीं कर सकता, इसे कोई छू नहीं सकता, वो जो पाको पाकीज़ा हो। चलिए जो राकिरा ने जो उन्होंने जुमला दिया मुझे उसी से तसलसल रखना है। सवाल आलिम दीन से ये किया गया कि खुदा ने जनाबे मरियम का नाम कुरान में लिया और कुरान में जनाबे मरियम के नाम का सूरा ही नाजिल कर दिया, खुदा ने तो जनाबे मरियम के नाम का पूरा सूरा ही उतार दिया जिसे खुदा हिजाबुल्ला कहे, जिसे खुदा हौरतुल इंसिया कहे, जिसे खुदा राजिया कहे, जिसे खुदा मर्जिया कहे, जिसे खुदा बतूल अजरा कहे। अब आइए अजमत शहजादी कोने अलैहि सलाम बुलंदर सलावत अल्लाह। क्या फरमाया इन्नी अब्दुल्ला, कुरान की आयत है इन्नी अब्दुल्ला खुदा की तरफ से किताब लेकर आया हूँ, वजअलनी नबिय्या और खुदा ने मुझे नबी बनाकर, आखिरी जुमले दे रही जाएगा नबी बनाकर भेजा। मैं कहूँगी जैसे ही जनाब ईसा ने माँ की इस्मत की गवाही दी, जुमला दे रही जाएगा अजब नहीं आवाज है परवरदिगार आए, मेरी बतूल पर इन्होंने तोहमत लगाई, मैं भी क्योंकि बीबी रोती हुई यही तो कहती है। शुकराने कहंदी मैं पढ़ के गई सी घबरा पाया बोते थमार लगा सी जैमा मेरे तो गई मैं भी गर्म मैं ठंडी शाहर भी आई इस नाल आलू पाए।